प्रकार से घर में हमारे सप्लाई के लिए हम अपने मॉड्यूलर स्विच जो लगा होता है उसका सॉकेट होता है उसमें सिंगल फेज का सप्लाई अगर चार्जर का चाहिए चाहे कुछ भी चाहिए सिंगल फेज चलाने के लिए मशीन तो उसका यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडस्ट्रियल एरिया में क्या होता है, इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इंडस्ट्रियल में देखिए आपका एफ एल पी सॉकेट होता है, जैसे कि सिंगल फेज सप्लाई ही लेना है तो उसके लिए एफ एल पी सॉकेट लगा होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 3 पिन का ये सॉकेट है। और ये जब ये क्लोज हो जाएगा तो इसके अंदर हवा भी नहीं जा सकता है, कुछ भी मतलब केमिकल या कुछ भी नहीं जा सकता है, ताकि केमिकल तो आपको भी मालूम है केमिकल हो गया या कोई भी मतलब मटेरियल जैसा कुछ लिक्विड हो गया तो उसके अंदर जाएगा तो क्या हो, फ्लेम उसमें जाएगा तो उसमें आग लगने का खतरा होता है। इसके लिए यहाँ पर फ्लेम प्रूफ बनाया जाता है, यानी कि आग से बचाने के लिए ये सॉकेट बनाया जाता है जिसको FLP बोलते हैं, फ्लेम प्रूफ। तो इसमें क्या है कि आप मतलब कोई भी इक्विपमेंट जैसे कि अपना ग्राइंडर मशीन हो गया, ड्रिल मशीन हो गया, या मेंटेनेंस करने के लिए कभी इंडस्ट्री में आपको भी मालूम है जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया हो गया, यहाँ पे अगर मेंटेनेंस के लिए वेल्डिंग मशीन हो गया सिंगल फेज का या ड्रिल मशीन या कुछ भी ग्राइंडर का आवश्यकता पड़ता है तो उसके लिए क्या होता है, इधर एक मेटल का टॉप लगेगा और उसको ऐसे घुमाएंगे तो ऑन होगा। और यहीं से मतलब इसमें कोई स्विच नहीं होता ताकि बाहर साइड में मतलब कुछ भी पावर का सोर्सेज नहीं होता जिससे कि आग लगने का चांसेज हो। और यहाँ पे आप देख सकते हैं वायरिंग के लिए मतलब किस तरीका से यह यूज़ किया हुआ है, ये मेन ट्रे है, मेन ट्रे से इसमें केबल आया है, 2 केबल आया और ये दोनों केबल 3 और 4 square mm का केबल है और उसके साथ में एक अर्थिंग भी है 4 square mm का। और यहाँ से आगे एक ग्लैंड हुआ है, नीचे से आप देख सकते हैं, नीचे से एंट्री है जिसमें कि आप देख सकते हैं इसका 01S का ग्लैंड यूज़ किया हुआ है इसमें। और इसमें जो 3 अपना 4 square mm का 2 केबल है, तो एक इसमें क्या है इनकमिंग केबल है, यानी कि 1 dB से आ रहा है मेन केबल और यहाँ से एक दूसरा सॉकेट में जा रहा है लूपिंग के लिए एक केबल को यूज़ किया हुआ है, एक मेन है और एक लूपिंग, तो दोनों को एक ही साथ में यहाँ पर कनेक्शन हुआ है। देखिए यहाँ पर फेस और ये दोनों एक साथ में, न्यूट्रल एक साथ में, तो ये फेस क्या हुआ, न्यूट्रल क्या हुआ, यहाँ से आउट हो रहा है तो सीधा आ रहा है ये MCB में जो कि 16 एम्पियर का MCB है, आप देख सकते हैं 16 एम्पियर का MCB। तो इसको क्या वैसे जैसे मैं बताया उधर मेटल टॉप लगा के उसको ऐसे जैसे घुमाएंगे तो ये ऑन हो जाएगा, ऑन पोजीशन हो गया, उसको ऐसे जब घुमाएंगे निकालने के लिए टॉप को तो ये ऑफ पोजीशन में हो जाएगा, तो जब ये ऑफ पोजीशन में होगा तभी वो टॉप निकलेगा। इस प्रकार से मतलब ये काम करता है। अभी इसको यहाँ पर वायर को रख के और यहाँ पर क्लोज जब करिएगा देखिए आप देख सकते हैं, और इसमें LNT बोल्टेड होता है, बोल्ट होता है जो टाइट करेंगे तो इसमें मतलब कुछ भी चांस नहीं होता, बाद में ये ऐसे क्लोज रहता है, ये यहाँ पे क्लोज रहेगा इसको। तो इस तरीका से ये FLP सॉकेट है सिंगल फेस का, और इसके बारे में पूर्ण रूप से मैं जानकारी देने का प्रयास किया। और यहाँ पे एक अर्थ पॉइंट भी देख लीजिए यहाँ पे जो कि 3 का वायर है जो तो ब्लू कलर का, इसमें अर्थिंग का जो पॉइंट है उसमें भी, यानी कि DB से जो आ रहा है उसका भी अर्थिंग यूज़ हो रहा है, और एक इन एक्सटर्नल जो अर्थिंग है यहाँ पे जो बाहर से आया है उसका भी अर्थिंग का पॉइंट नीचे दिया हुआ है वो भी यूज़ हो रहा है। इस प्रकार से मतलब ये आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसी तरह के नॉलेजबल इलेक्ट्रिकल वीडियो देखने के लिए प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बेस्ट ऑफ लक।